हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहता वीरूप चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त मेहताब आलम। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ग्रीन स्क्रीन के बारे में कि ग्रीन स्क्रीन क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसे किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और सबसे अहम सवाल ये कि ग्रीन स्क्रीन यूज करते टाइम हमें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना वक्त जाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है ग्रीन स्क्रीन, ये है ग्रीन स्क्रीन। अब फ्लिपकार्ट नहीं, इसके अंदर ग्रीन स्क्रीन है। ये है ग्रीन स्क्रीन और इसे क्रोमा की भी कहते हैं। बेसिकली ये एक कपड़ा है और इसका इस्तेमाल शूटिंग में होता है, लाइक हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज में। और आपको बता दें कि कई यूट्यूबर्स भी इसे इस्तेमाल करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ग्रीन स्क्रीन तो समझ आ गया, लेकिन ये क्रोमा की क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि क्रोमा की वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन आता है क्रोमा की का। क्रोमा की के जरिए, जैसे अभी हम एक वीडियो बना रहे हैं, अभी वीडियो बन रहा है, तो ये जो बैकग्राउंड है, तो क्रोमा की के जरिए हम बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। इसके जगह कोई फोटो लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल करके बता देता हूँ। ये देखिए, ग्रीन है, अब देखिए चेंज हो गया, फिर से चेंज करता हूँ, अब मैं वीडियो लगाता हूँ, लग गया वीडियो। तो ये है क्रोमा की का कमाल। आपको बता दें कि ये जो कपड़ा है ग्रीन स्क्रीन, इसका यूज हॉलीवुड मूवीज में होता है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी और मैं इसका सबसे जो बेस्ट वाला होता है वही मैंने परचेस किया। आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। खैर, अब हम उसी टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, आपने हॉलीवुड की मूवी देखी होगी, जैसे स्पाइडरमैन, एवेंजर्स वगैरह। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो क्रिश मूवी तो आपने जरूर ही देखी होगी। क्रिश मूवी में जितने भी उड़ने वाले सीन्स हैं वो सारे के सारे उसमें ग्रीन स्क्रीन का कमाल है। ऋतिक रोशन जब उड़ता है तो उसके बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन होता है, उसको एडिट करके कोई बिल्डिंग्स डाल दिया जाता है जिसकी वजह से लगता है कि ऋतिक रोशन मतलब हवा में उड़ रहा है बहुत, है ना। उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स डाले जाते हैं जैसे VFX इफेक्ट। खैर, एडिटिंग एक अलग ही टर्म हो गया है। मतलब ग्रीन स्क्रीन का सिर्फ इतना यूज होता है कि ग्रीन स्क्रीन को हटा के कोई और चीज लगा सके, जैसे फोटो वीडियोस वगैरह हो। आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्रीज की जो एरिया होती है वो बहुत बड़ी होती है, उसका जो सेटअप होता है बहुत बड़ा होता है, इसलिए शूटिंग एरिया में बैकड्रॉप में ग्रीन स्क्रीन लगाया जाता है। ठीक है, आपको बता दें कि ग्रीन के अलावा ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, रेड भी हो सकता है, लेकिन इन सभी में ब्लू ज्यादा बेटर है। व्हाइट, ब्लैक, इन सब की कंपैरिजन में ब्लू ज्यादा बेटर है, और उससे भी ज्यादा बेटर है ग्रीन स्क्रीन। ग्रीन स्क्रीन सबसे परफेक्ट है। हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज में ग्रीन स्क्रीन का यूज किया जाता है, बॉलीवुड में भी वही ग्रीन स्क्रीन का यूज किया जाता है। अब बात यहां ये आती है कि ग्रीन स्क्रीन यूज करते टाइम हमें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले, अगर हम ग्रीन स्क्रीन, अगर हम वीडियो शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमें कोई भी टी शर्ट नहीं पहनना है जहां पे ग्रीन हो। ये जो व्हाइट का एरिया है ना, तो यहाँ पे ग्रीन नहीं होना चाहिए। अगर ग्रीन होगा तो हम कैसे देखेंगे पता है? अगर हम पूरा टी शर्ट ग्रीन पहने हैं, ठीक है, तो हम ऐसे देखेंगे, ऐसे मतलब सिर्फ मुंडी दिखेगा, ये बॉडी नहीं दिखेगी, सिर्फ हाथ दिखेगा। जितना जितना जहां जहां एरिया ग्रीन का रहेगा वहां दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए कभी भी ग्रीन स्क्रीन यूज करते टाइम ना पेन ग्रीन रखें, ना टी शर्ट पहने ग्रीन, कोई भी ग्रीन नहीं होना चाहिए, सिर्फ बैकग्राउंड के अलावा। और दूसरी बात ये कि लाइटिंग सेटअप सही होना चाहिए। अगर आप लाइटिंग सेटअप सही करके रखेंगे, जो भी है उसका डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट्स वगैरह, ऑब्जेक्ट मतलब मैं, ठीक है, और जो लाइटिंग सेटअप हो गया ऊपर में, साइड से, ये साइड से तीन चार लाइट्स लगते ही हैं, मतलब एंगल बाय एंगल, तो वहां पे अगर प्रॉपर तरीके से रहेगा तभी आप वीडियो को सही ढंग से एडिट कर पाएंगे, वरना ग्रीन ग्रीन एरिया हो जाएगा यहाँ पे। आप मेरे वीडियोस में देखे होंगे कहीं कहीं अगर लाइट सही से नहीं पड़ पाती है तो नहीं हो पाती है। तो ये है क्रोमा की दुनिया। अगर आप क्रोमा की यानी ग्रीन स्क्रीन से रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं, मुझे आपके कॉमेंट जानने का इंतजार रहेगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं इसके लिए भी कमेंट जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, जो भी जान पहचान के लोग हैं उन्हें ये शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उससे होगा ये कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, फिर आप वीडियो को देख पाएंगे। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।